नमस्कार, आप देख रहे हैं ओएनआई न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। टिड्डी दल ने बालाघाट अंचल में दिया दस्तक, किसानों में बना दहशत का माहौल। इस समय पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है और हर इंसान जिंदगी और मौत की जंग में अपने आप को बचाने में लगा है। ऐसे में किसानों पर दोहरी आफत का दौर आ पड़ा है। रेगिस्तान से निकला टिड्डियों का दल अब मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पहुंच गया है। करोड़ों की संख्या में पहुंचा यह दल किसानों की फसलों को बर्बाद करने में लगा है और यह किस मोड़ पर लेकर जाता है, संबंधित विभाग से निवेदन है कि इसकी रोकथाम के लिए कारगर उपाय किए जाएं। बालाघाट जिले के एक छोटे से गाँव झालियाड़ में मौजूद हूँ और इस समय पाकिस्तान से आने वाली टिड्डी यहाँ पे आ चुकी है। ऐसे में किसानों के चेहरे पे साफ साफ दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है। हमारे बीच किसान मौजूद है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि टिड्डियों को लेकर इनके मन में क्या विचार आ रहे हैं। आपका नाम? हाँ भैया, मेरा नाम डेलचंद रांगणाले, मैं ग्राम झालीवाड़ा का निवासी हूँ। मैं अपने जीवन में पहली बार यह आपका देखने में दिखाई मिल रही है मुझे। सबसे पहले तो कोरोना वायरस आया जिसके संक्रामक ने पूरे देश और दुनिया को डरा दिया, उसी तरह पहली बार टिड्डी दल हमारे गाँव में देखा गया और इससे विशेष अभी क्षति तो नहीं होती दिखाई दी, लेकिन यह पूरे गांव के पूरे एरिया में मौजूद रहा और कहीं आम के पेड़ों पर, कहीं भट्टों के पेड़ों पर सब्जी भाजियाँ लगी हुई थी उन पर पूरा छाया हुआ रहा। अब तो इस पता लगेगा कि रात भर में क्या कहर डालता है और इसका क्या रिजल्ट दिखाई पड़ता है। इसी बीच हमारे बीच एक किसान और मौजूद है जिनका नाम जगदीश रांगडाली जी है। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके खेतों में जो फसल लगी है इनको क्या लगता है, टिड्डियों से उनके खेतों फसलों को कितना नुकसान होगा। फसल में तो काफ़ी नुकसान हो रहा है ना, और करीब झालीवाड़ा में 4 और 5 बजे के बीच में पहुंची वहाँ, और इसके लिए इनको भगाने का थोड़ा सा उपाय किया जाए। आप देख सकते हैं साफ साफ कि किसानों पे जो दहशत का माहौल है और चाहते हैं कि गवर्नमेंट कैसे भी करके टिड्डियों के लिए कुछ उपाय करे। ओएनआई न्यूज़ से मैं सरोवर देशमुख, बालाघाट।